दहशतगर्द अंजाम के करीब। आर्मी चीफ ने 22 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। 15 दहशतगर्दों को कैद की सजा भी तौसीक कर दी गई। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द फोर्सेस और दीगर इदारों पर हमलों में मुलव्वस थे। दहशतगर्द हमलों में 176 अफराद शहीद और 117 जख्मी हुए। वज़ीर-ए-आज़म का मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ मुल्की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन करने का ऐलान। सुप्रा कॉन्फ्रेंस से खिताब में इमरान खान का कहना था, पाकिस्तान से सालाना 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, रोकथाम के लिए सफीरों की मदद मांग ली। बोले, दूसरों पर इन्हसार की पॉलिसी तर्क करना होगी, कोई घर ज्यादा देर कर्जों पर नहीं चल सकता। एहतसाब सबका होना चाहिए, अगर मेरा एहतसाब 1 साल और 6 साल की उम्र से शुरू हो सकता है तो फिर कोई मुकद्दस गाय नहीं होना चाहिए। बिलावल भुट्टो की सिलेक्टेड एहतसाब की दुहाई। बोले, हमारी तहरीक और सियासत गिरफ्तारी, इंतकाम या ECL में नाम डालने की वजह से नहीं, हम अपने मसाइल पर सियासत करते हैं। कहा, कठपुतली हुकूमत की NRO देने की औकात नहीं। हमें कोई नहीं डरा सकता, आसिफ अली जरदारी की हुकूमत पर तीर अंदाजी। घोटकी में खिताब में कहा कि उर्दू मैं बोलता हूं ताकि इस्लामाबाद में अंधे बहरे सुन सकें। सिंध के लोगों को उनका हक क्यों नहीं मिलता? पहला हक गरीब का, ये हमारी फिलॉसफी है। यही फिलॉसफी पंजाब में भी आजमाएं, लोग जुड़ते जाएंगे।